अब देखो, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, भीतर का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 25 सेमी है। तो अब देखो, भीतर का व्यास है तो इसमें 2 त्रिज्याएं होगी। देखो जिस प्रकार ये बेलन है, ये बेलन है। अब अंदर वाला 14 सेमी है तो इसकी त्रिज्या हो गई 7, लेकिन ये बाहर वाली मोटाई, एक साइड चलेंगे यहां से यहां तक तो बाहर वाली मोटाई जुड़ेगी, मोटाई कितनी थी इसकी 2, तो 7 + 2 बराबर हो गई 9, यानी R1 बड़ी त्रिज्या 9 हो गई, छोटी त्रिज्या अंदर की त्रिज्या 7 होगी, बाहर की त्रिज्या कितनी हो गई 9। बाहर की त्रिज्या को R1 बोलेंगे और अंदर की त्रिज्या को R है, छोटी त्रिज्या यानी छोटी को R2, बड़ी को R1, छोटी को R2, बड़ी को R1, ठीक है। अब अपने उसने पूछा ये खोखला है और दोनों सिरों से खुला है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र अपना ये है इसका 2πR1 + R2 + cosθ h + R1 - R2, 2 × 22/7, R1 कितना है 9, R2 कितना है 7, h कितना है 25, R1 कितना है 9, R2 कितना है 7, हो गया 2 × 22/7 × 9 × 7 कितने होते हैं 16। अब देखो 25 और 9 कितने हो गए हैं, 25 और 9 कितने हो गए 34। अब देखो अपने, अब ऊंचाई अपनी 25 नहीं थी, 26 थी, तो यहां करेंगे 26, इसमें गलत था भाई, 26 और 9 35, 35 में से 7 गए 28, 35 में 7 गए 28। अब अपने काट लेते हैं, 1 × 7 = 28 गुणा कर लूं, 4 × 8 8 × 22 × 16 यानी 28 × 16 = 2 सेमी। या गया इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।